अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा टेक्नो के ई सिक्स जे। इसके अंदर FRP है, इसको कैसे अनलॉक करते हैं। SP फ्लैश टूल के थ्रू आपके पास सिर्फ लैपटॉप होना चाहिए, कोई डोंगल की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और दो या तीन टूल की ज़रूरत होना चाहिए। ये हमारा जो है फाइल है FRP फाइल, इसके अंदर टूल भी है और MTK बाईपास टूल और SP फ्लैश टूल और ये LIV USB ड्राइवर, ये हमारे पास ये चारों फाइल होना चाहिए। तो ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड उधर से कर लीजिए। तो मैं एक एक करके सब डाउनलोड करूंगा और आपके सामने ही ये मोबाइल को अनलॉक करके दिखाऊंगा। मैंने इसका जो FRP फाइल है उसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। अब मैं इसका जो MTK बाईपास टूल, इसको भी मैं डाउनलोड करूँगा। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं कैसे ये टूल को कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ अभी, कैसे डाउनलोड करते हैं। तो मैं जैसे जैसे डाउनलोड कर रहा हूँ आप भी ऐसे ही डाउनलोड करो। और लास्ट में SP फ्लैश टू डाउनलोड करना है। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, LIV USB ड्राइवर। ये आप YouTube में देख के इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो नहीं होगा, ये तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारा YouTube पर वीडियो है आप डाउनलोड के लिए। तो मैं फ्लैश टूल को डाउनलोड करता हूँ। ये देख सकते हैं MTK बाईपास दोनों टूल डाउनलोड हो गया। अब तीन नंबर SP फ्लैश टूल देख सकते हैं, हमारा SP फ्लैश टूल, उसको भी मैं डाउनलोड करूंगा। और हाँ, इसके अंदर DA फाइल जो फाइल है सब रहेगा, स्कैटर फाइल जो भी है सब रहेगा। टेक्नो सिक्स एयर दो टाइप का होता है, लिंक दे दूंगा तीनों फाइल का। और मैं डायरेक्ट वेबसाइट के भी मैं लिंक दे दूंगा। और क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और इसके अंदर FRP एड्रेस रहता है, देख सकते हैं FRP एड्रेस। और कुछ नहीं करना है, मिनीमाइज कर देना है, इधर क्लोज नहीं करना है, मिनीमाइज कर देना है। मैंने जो डाउनलोड किया उसी फोल्डर में जाना पड़ेगा, देख सकते हैं। ये मैंने डाउनलोड किया, ये तीनों फाइल डाउनलोड किया। तीनों फाइल को मैंने अनजिप करूंगा, मतलब एक्स्ट्रैक्ट करूंगा। पहले फ्लैश टूल को एक्स्ट्रैक्ट करूंगा, उसके बाद जो DA फाइल फ्लैश टूल उसको मैं एक्स्ट्रैक्ट करूंगा। ये फ्लैश टूल को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर भी है, तो जो भी हो डाउनलोड कर लिया तो उसी में करके दिखाऊंगा। तो सॉरी यार, ये नहीं, ये मेरा UMT का सेटअप था। और MCT जो है ना, MCT बाईपास, इसको भी अनजिप करना पड़ेगा। तो और अब क्या करना है, ये हमारा जो MCT का जो फोल्डर है इसको ओपन करना है और इसको रन कर देना है। रन करने के बाद इधर कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाईपास कर देना है और आपका लैपटॉप पर सही से ड्राइवर होना चाहिए। अब क्या करना है, मोबाइल को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम प्लस और माइनस प्रेस करके USB इनपुट कर दो। बस देख सकते हैं हमारा प्रोटेक्शन, जो मोबाइल के अंदर जो प्रोटेक्शन था वो हट गया। अब क्या करना है, मिनिमाइज कर देना है। अब मैंने जो फ्लैश टूल और फ्लैश फाइल, मतलब FRP फाइल जो मैंने डाउनलोड किया उसका काम है। ये हमारा फ्लैश टूल है, इसको मैं ओपन करूंगा। बस ओपन कर लिया। अब क्या करना है, चूज और इधर से डाउनलोड फाइल दे देना है, सॉरी DA फाइल दे देना है। DA फाइल उसके अंदर ही है, ये देख सकते हैं टेक्नो के ई सिक्स जे, यही हमारा FRP फाइल है। तो इधर से ये हमारा जो डाउनलोड एजेंट फाइल है DA फाइल, इसको सिलेक्ट करना है और इधर से कुछ नहीं करना है, इधर स्कैटर फाइल का दे देना है 6765, इस ये हमारा स्कैटर फाइल। और कुछ नहीं करना है, ऑप्शन में जाके कनेक्शन में जाइए और देख सकते हैं ये हमारा मोबाइल का पोर्ट COM5।
आप देख सकते हैं ये पोर्ट को भी मैंने दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ डिवाइस मैनेजर में जाके, नहीं तो आप बोल सकते हैं कि ये इसका पोर्ट नहीं है। तो देख सकते हैं ये हमारा मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट, देख सकते हैं कॉम 5। तो इधर से मेरे को क्या करना है, कनेक्शन में जाइए और यूएआरटी से यूएआरटी में क्लिक करना है और इधर पोर्ट देख सकते हैं कॉम 5 में क्लिक कर देना है। मतलब जो इधर डिवाइस मैनेजर में जो आएगा मीडियाटेक का जो पोर्ट फॉर्म बनाएगा उसको सिलेक्ट करना है, बस इसको क्लोज कर दीजिए और फॉर्मेट में जाइए और मैनुअल फॉर्मेट में जाइए। मैनुअल फॉर्मेट में जाके जो कोड है ना उसको मतलब डिलीट कर दीजिए। और मैंने जो इधर फोल्डर मैंने क्लिक किया था ना कोड, उसको क्या करना है कॉपी करना है और इसी फ्लैश टूल में पेस्ट करना है, इधर पेस्ट, और इसको भी कॉपी करना है और इधर एसपी फ्लैश टूल में पेस्ट। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है और जस्ट ए सेकेंड में आपका FRP 100% अनलॉक हो जाएगा। जो टेक्नो 6R होता है ना 3GB रैम वाला, 3GB रैम और 64GB हार्ड डिस्क, उसी का मतलब उसका मॉडल है KE6Z। अब क्या करना है, सिर्फ स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, देख सकते हैं वन क्लिक में 100% आपका FRP अनलॉक हो जाएगा, 100% ये देख सकते हैं। तो मेरे चैनल में नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। सो थैंक यू।